ये देखिए अपनी इनोवा फंस चुकी थी और इसके टोचे बहुत बड़ा नाला आ चुका है यहाँ से देखिए। मुझे लगता है कहीं पे ना, ये देखिए भाई साहब अभी एक एक करके गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और यहाँ देखिए एक ब्लॉगर भाई आगे जा रहा है और धीरे धीरे चलो चलो खींच दो भाई बाइक वाले। देखिए भाई साहब वो डेयरिंग बंदे भाई। अभी हम लोग बीच में फंस चुके हैं क्योंकि यहाँ ना बहुत बड़ा नाला आ चुका है और देखिए सारी गाड़ियाँ ट्रैफिक में फंस चुकी है और एक गाड़ी आगे फंसी है तो अभी उसी को देखने जा रहे हैं हम लोग। और देखिए बहुत बड़ा नाला आया यार यहाँ पे और यहाँ पे टोचन लगाया शायद अभी तो निकाल दिया है। इनोवा फंसी हुई थी तो हम लोग भी जा रहे हैं, हमारी अपनी गाड़ी फंसी हुई है। ओ भाई यहाँ देखे, ओ भाई साहब ये क्या हो गया, अपनी सारी गाड़ियाँ ना ऐसे लाइनें लगी हुई है आगे और जो 4x4 जिप्सी है बस वो ही निकल रही है, बाकी तो सब फंस रही है। ये देखिए भाई साहब ये ये देखिए अपनी इनोवा फंस चुकी थी और इसे टोचन किया है संजय भाई ने तो जिप्सी से और अभी देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा नाला आ चुका है यहाँ से देखिए। मुझे लगता है कहीं पे ना बादल फटा होगा। ये देखिए भाई साहब अभी एक एक करके गाड़ियाँ निकाल रहे हैं और यहाँ देखिए एक ब्लॉगर भाई आगे जा रहा है और धीरे धीरे करके सारी गाड़ियाँ निकल रही है। देखिए ऊपर कहीं पे बादल फटा और सारा नाला देखिए यहाँ पे। अभी हम लोग मनाली से पीछे है लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे और ट्रैफिक देखिए क्या लंबे लाइन लगे। ये देखिए पूरा नाला आ चुका है। अभी हमारी बहुत सी गाड़ियाँ पीछे खड़ी है मतलब जाम में फंसी हुई है तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जब सारी गाड़ियाँ आ जाएगी तभी हम लोग जाएंगे होटल की तरफ वरना हम लोग उनका वेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भाई सब धुआं निकल गया गाड़ी का, देखिए बज रही है नीचे गाड़ी क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर आ चुके और नीचे लग रही है सारी छोटी गाड़ियाँ बट निकाल रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियों को तो इजी है बट जो छोटी गाड़ियां वो ना बज रही है नीचे से। भाई बाइक वाला डेयरिंग बंदा ये अपने शूटिंग वाले पैदल चल रहे भाई। ओ भाई कहाँ पे वहां देखो भाई जूते गीले हो गए इन लोगों के तो अपने शूटिंग वाले भाई ये है कोई नहीं फंसा भाई। भाई आधा घंटा हो चुका है हम लोग अपनी गाड़ियों का वेट कर रहे हैं तो जब सारी गाड़ियां आएगी ना उसके बाद निकलेंगे। यहाँ पे देखिए अभी इतनी लंबी लाइन लगी हुई, ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और इतनी लंबी लाइन लगी ना ट्रैफिक की। अभी इस साइड का खत्म हुआ, अभी वहां से लगभग 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है तो चलिए धीरे धीरे करके आपको भी दिखाते हैं और क्या सिचुएशन है। भाई बढ़ते ही जा रहा है ये नाला ना, हमें लगा था कम होगा लेकिन कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और जितना अंधेरा हो रहा और उतनी बढ़ते जा रहा है नाला। ये देखिए चलो चलो खींच दो भाई बाइक वाले। देखिए भाई साहब वो डेयरिंग बंदे बाइक वाले, खींचो खींचो ये शाबाश शाबाश ये निकल गई अपनी गाड़ी भी। बाइक वाले देखे डेयरिंग बंदे खींचो खींचो भाई गुड गुड गुड। हम रूम पहुंच चुके हैं और बाहर ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है क्योंकि एक जगह बादल फटा मनाली से 4-5 किलोमीटर पीछे और इतना बड़ा नाला आया ना पूरी ऐसी गाड़ियां फंस रही थी
तो पहले तो एक इनोवा फंसी, हम लोगों ने जिप्सी से टो किया, बाहर निकाली, और उसके बाद इतनी गाड़ियां फंसी ना भाई, मैं तो आ गया क्योंकि ऐसे कपड़े पूरे गीले हो गए थे, पैंट और शूज खासकर। तो अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में, और कल का सीन है, कल हमारा फिर से शूट है मनाली के आसपास ही, तो अभी बहुत थक चुके हैं, रेस्ट करते, सबसे पहले जाते डिनर करते, रेस्ट करते, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।